भारतीय महिला हॉकी टीम की युवा फॉरवर्ड खिलाड़ी 19 वर्षीय लाल रेम सियामी ने अपने पिता के निधन के बावजूद भी हिरोशिमा में FIH सीरीज के सेमीफाइनल और फाइनल मैच में खेला है। खिलाड़ी के इस फैसले की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। लाल रेम सियामी ने देश के साथ साथ अपने राज्य मिजोरम का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोनों आगामी मैच खेले। इस दुख की घड़ी में कप्तान सहित पूरी टीम ने उन्हें ढांढस बधाया, जिसके बाद टीम ने सेमीफाइनल में चिली को हराकर ओलंपिक क्वालिफायर का टिकट पाया। साथ ही FIH सीरीज के फाइनल में जापान पर भी शानदार जीत हासिल की। खेल के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति ने खिलाड़ी को स्टार बना दिया है। आपको बता दें कि खिलाड़ी के पिता लल थन संगा का दिल का दौरा पड़ने के कारण 21 जून 2019 को निधन हो गया था। अपने साथियों के मध्य सियामी के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी पिता का अंतिम संस्कार होने के समय मैदान पर जा रही थी। 22 जून को हुए भारत चिली मैच में चिली को 4-2 से हराकर टीम को फाइनल में पहुंचाने में सियामी का बड़ा योगदान था। इस जीत से भारत ओलंपिक में अपना नाम क्वालिफाई करने में सफल रहा। खिलाड़ी के इस समर्पण को देखकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ी के पिता की मृत्यु पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में केंद्रीय मंत्री ने टीम इंडिया को बधाई दी और भारत के इस जीत पर ओलंपिक क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने के लिए लाल रेम सियामी के समर्पण को सलाम भी किया।